ऑर्डिनेट क्या बोलेंगे इसको ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट ओके द कोऑर्डिनेट ऑफ एन एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है सुपोज दिस इज पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर है मैं इसको ए नाम देता हूं तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा जीरो ठीक है सपोज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम

ठीक है तो जीरो y वाई उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे अब चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ इस फिगर को देखिए ये फिगर में हमारे पास P एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट Q है यहाँ पर, ठीक है P के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। x1, y1 का क्या मतलब है कि जो P है P के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है नीचे R ठीक है R जो है ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है ठीक है और p जो पॉइंट है अगर मैं इस लाइन को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाऊं y एक्सिस पर परपेंडिकुलर तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगी y1 आएगी इस पॉइंट की ठीक है y1 डिस्टेंस यहां से यहां तक ओके तो p के कोऑर्डिनेट क्या हुए x1, y1 सिमिलरली q के कोऑर्डिनेट क्या हुए x2, y2 कहने का मतलब क्या है y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x2 और x एकस एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है y2 इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए x2 y2 हमें इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद करना है x2 टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और उसकी पावर एक बटा दो ठीक है तो पी क्यू हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा सुपोज P के कोऑर्डिनेट है चार और तीन ठीक है Q के कोऑर्डिनेट है तीन और दो और हमें P और Q के बीच में डिस्टेंस मालूम करना है तो पी क्यूस टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन फोर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर ठीक है फोर माइनस थ्री इज वन वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू इज वन वन का स्क्वायर अंडर रूट तो दिस बिकम वन प्लस वन अंडर रूट टू तो पी क्यू हमें मिल गया अंडर रूट टू यूनिट्स अब एक क्वेश्चन देखिए इस पर क्या कहा है उसने शो दैट द पॉइंट्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं वन सेवन फोर टू माइनस वन माइनस वन माइनस फोर फोर और वर्टिसज ऑफ ए स्क्वायर ठीक है चार पॉइंट्स उसने दिया है और पूछा है कि ये वर्टिसज हैं किसी स्क्वायर के हमें ये शो करना है ठीक है अब स्क्वायर है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो चारों साइड्स है वो इक्वल होती है ठीक है सपोज ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है ठीक है ए के कोऑर्डिनेट सपोज वन और सेवन है बी के कोऑर्डिनेट फोर टू है सी के कोऑर्डिनेट माइनस वन माइनस वन है डी के कोऑर्डिनेट माइनस फोर फोर है ठीक है हम अब अगर डिस्टेंस निकाल लें ए बी और ए बी को इक्वल प्रूव कर दें BC के सी डी के और AD के तब हम कह सकेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं ओके तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी ए बी क्या आएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन फोर माइनस वन फोर माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू माइनस सेवन टू माइनस सेवन का स्क्वायर डन 4 minus 1 is 3 3 ka square is 9 plus 2 minus 7 is minus 5 minus 5 ka square 25 so distance become 25 plus 9 34 34 under root similarly find out bc if we goes on finding out bc it results into 4 minus minus 1 ka square plus टू माइनस माइनस वन का स्क्वायर राइट तो फोर माइनस माइनस वन हो गया प्लस वन फोर प्लस वन इज फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन सो so, ये भी आ गया अंडर रूट थर्टी फोर ठीक है ए बी हमने निकाल लिया बी सी निकाल लिया, अब निकालते हैं सी डी सी डी इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस वन प्लस फोर हो जाएगा प्लस थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस फोर दट बिकम्स माइनस फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर ठीक है तो ये हो गया नाइन और ये हो गया ट्वेंटी फाइव ये भी क्या आ जाएगा रूट थर्टी फोर अब बचा है हमारे पास एडी एडी भी निकाल लो एडी निकालोगे तो अंडर रूट माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस फोर माइनस सेवन फोर माइनस सेवन इज माइनस थ्री का स्क्वायर तो कुल मिला के बात ये है ये भी अंडर रूट थर्टी फोर आ गया ठीक है अब चारों जो साइड्स हैं वो हमें पता चल गई कितनी है रूट थर्टी फोर अब हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर है समझ आया सबको एक और क्वेश्चन देखते हैं फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एक्स और वाई के बीच में हमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है फ्रॉम पॉइंट सेवन वन और थ्री फाइव तो दो पॉइंट्स उसने दिए हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है इसके कोऑर्डिनेट हैं सेवन वन और इसके कोऑर्डिनेट हैं थ्री और फाइव ठीक है तो कोई पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है तो ये इससे समान दूरी पर है ये उसने दिया है ठीक है क्या दिया है उसने सुपोज ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है given क्या है क्वेश्चन में क्वेश्चन में गीवन है ए बी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो तो ए बी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी क्या आएगा एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर अंडर रूट ठीक है बी सी क्या आएगा बी सी दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट सी एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो अंडर उठ हट जाएगा तो यहां से क्या बचेगा एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन सिमिलरली यहां पर क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन यहां पर क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ये तो आपको पता ही है कि जो चीज बराबर के इस तरफ लेफ्ट साइड में प्लस में होती है राइट right साइड में जाके माइनस में हो जाएगी और जो माइनस में होती है दूसरी साइड चेंज करोगे तो प्लस में हो जाएगी ठीक है तो x square इसको इस तरफ ले जाओगे x square से x से से माइनस हो जाएगा बन जाएगा जीरो बन y करना है, तो मैं x को एक तरफ रख लेता हूं ठीक है तो यहां क्या है माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स ठीक है और ये जो माइनस सिक्स एक्स है इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स ठीक है इक्वल्स टू यहां पर जो y है माइनस टू वाई इधर जाके प्लस टू वाई हो जाएगा और जो फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी है इधर जाके माइनस फिफ्टी हो गया ठीक है इसके अलावा माइनस टेन वाई है यहां पर प्लस ट्वेंटी फाइव है और प्लस नाइन है ओके तो यहां पर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस सिक्स एक्स ये कितना बना माइनस एट एक्स इक्वल्स टू ये क्या बना टू वाई माइनस टेन वाई माइनस एट वाई ठीक है और ये माइनस फिफ्टी है और ये हो गया थर्टी फोर प्लस का प्लस का थर्टी फोर मतलब minus 16, है? Minus से, minus 8 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है यहां पर आपके पास बना एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस टू तो ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ गया यही हमें निकालना था कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है ठीक है एक और क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस y एक्सिस पर कोई पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये दो पॉइंट हैं एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं सिक्स फाइव बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं माइनस फोर कोई पॉइंट है वो इक्वी है ठीक है कोई पॉइंट है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है सपोज वो पॉइंट है सी ठीक है और क्या कहा उसने पॉइंट वाई एक्सिस पर है ठीक है अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर हो दिस इज वाई एक्सिस अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर हो तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे जीरो होंगे ठीक तो है तो जीरो कोमा वाई सपोज उसके कोऑर्डिनेट है ठीक है क्योंकि पॉइंट क्या है वाई एक्सिस पर है ये गिवन है और सी जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी ए सी इक्वल्स टू बी सी ये गीवन है ओके तो ए सी निकाल लो और उसको इक्वल कर दो BC के ए सी कैसे निकालोगे सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट ये हो गया AC इक्वल टू किसकी है ये बी सी के BC की वैल्यू क्या है माइनस फोर माइनस जीरो माइनस फोर का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा अंदर क्या बचेगा सिक्स का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर इज थर्टी सिक्स ये हो जाएगा पच्चीस प्लस माइनस टेन वाई टू यहां से स्क्वायर रूट हट चुका है माइनस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस थ्री स्क्वायर इज नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई ठीक है वाई की वैल्यू निकालनी है सी के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे ठीक है इस इक्वेशन को सोल्व करिए जीरो बन जाएगा ठीक है ठीक है जीरो हो गया अब बचा क्या हमारे पास इसको इधर ले जाइए थर्टी सिक्स इक्व टेन वाई और माइनस सिक्स वाई ठीक है वाई की वैल्यू निकालनी है टेन माइनस सिक्स इज फोर वाई फोर वाई इक्व थर्टी सिक्स और y इक्वल्स टू नाइन वाई इक्वल्स टू नाइन तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जीरो कोमा नाइन जीरो नाइन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो कि A और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ Q कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है जीरो कोमा वन इक्वी डिस्टेंस है P और r से ठीक है x की वैल्यू हमें निकालनी है फिर उसने कहा QR और PR को भी फाइंड आउट करो ओके okay. तो सपोज दिस इज पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट है फाइव कोमा माइनस थ्री आर कोई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा सिक्स और हमें क्या मालूम करना है एक पॉइंट जो है क्यू है उसके कोऑर्डिनेट जीरो और वन है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है गिवन क्या है पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर ये गिवन है पी क्यू निकाल लो पी क्यू निकाल लो पांच माइनस जीरो पांच माइनस जीरो पांच हो गया पांच का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वायर ठीक है ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट इक्वल्स टू व्हाट इज क्यू आर एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस वन का स्क्वायर यानी के पांच का स्क्वायर ठीक है हम किसी को भी एक्स वन एक्स टू मान सकते हैं ठीक है सपोज जैसे हमने इसको एक्स वन मान लिया इसको वाई वन मान लिया फॉर्मूला लगाने के लिए कह रहा हूं इसको एक्स टू मान लिया इसको वाई टू मान लिया तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर हम करते हैं आप इसको भी एक्स टू वाई टू मान सकते हैं इसको फिर एक्स वन वाई वन मानना पड़ेगा आपको ठीक है लेकिन इससे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर होने पे वैल्यू इक्वल हो जाती है ठीक है दिस इज एक्स माइनस जीरो इट गिवस मी प्लस एक्स ठीक है और उसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा अगर मैं इसको जीरो माइनस एक्स करूंगा तो ये माइनस एक्स देगा और फिर स्क्वायर करूंगा तो प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो कुल मिला के बात ये है ये वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी आफ्टर डूइंग स्क्वायर ठीक है तो फाइव का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव प्लस फोर का स्क्वायर हो गया सिक्सटीन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी फाइव कैंसिल हो गया एक्स 16. 16 इसका मतलब है है क्या माइनस फोर एक्स क्या है प्लस माइनस फोर ठीक है सपोज वी आर टेकिंग एक्स इक्वल टू फोर तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए फोर कोमा सिक्स ठीक है तो पी क्यू निकाल लो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी पांच माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर ठीक है तो पांच का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव और फोर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव प्लस रूट फोर्टी वन तो पी क्यू तो की जो वैल्यू आई है पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा रूट फोर्टी वन ठीक है सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग एक्स इक्वल्स टू फोर देन क्यू आर क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दो जीरो माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स का स्क्वायर का अंडर रूट तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा वन ठीक है ये वैल्यू हम कब फाइंड आउट कर रहे हैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जब एक्स की वैल्यू प्लस फोर है ठीक है पी आर की वैल्यू क्या होगी फाइव माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स का स्क्वायर का अंडर रूट तो फाइव माइनस फोर इज प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर इज वन प्लस माइनस नाइन का स्क्वायर इज एटी वन सो वी गेट रूट एटी टू ठीक है अब हम अगर मान ले कि x की वैल्यू माइनस फोर है ठीक है फोर आर कोऑर्डिनेट माइनस फोर सिक्स फोर आर कोऑर्डिनेट माइनस फोर सिक्स वैल्यू ऑफ क्यू आर वैल्यू ऑफ क्यू आर क्या रहेगा जीरो माइनस माइनस फोर दैट बिकम प्लस फोर स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स अंडर रूट तो हो जाएगा क्या ये सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट फोर्टी वन ठीक है ये भी अंडर रूट फोर्टी वन आ गया क्यू आर और हमें क्या निकालना है पी आर पी आर की वैल्यू क्या होगी पी आर की वैल्यू हो जाएगी पी इज फाइव फाइव माइनस माइनस फोर हो जाएगा प्लस फोर प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन ठीक है, तो ये हो जाएगा एटी वन प्लस एटी वन वन सिक्सटी टू ठीक है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा so friends, इस वीडियो में इतना ही सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तब तक आप डिस्टेंस फॉर्मूले के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो लगाते रहिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के आने का जो कि जल्द ही आएगा थैंक्स वंस अगेन